नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज चलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो आज की रेसिपी है मसूर और जरी की सब्जी। ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब बनती है, खाने में इतनी टेस्टी लगती है, मेरा तो बहुत ही फेवरेट सब्जी है। तो आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मसूर को अच्छे से धो लिए हैं और धो के मैंने कुकर में पानी डाल के इसे चढ़ा देंगे। दो या तीन सीटी आने तक इसे हम उबाल लेंगे। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं सब्जी बनाने के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जरी है, जरी को मैंने अच्छे से साफ करके अच्छे से धो के काट लिए हैं। उसके बाद चार मिर्ची है, एक प्याज है और दो टमाटर, इसे हम कट कर लेंगे। उसके बाद कढ़ाई में एक चम्मच तेल डालेंगे। कढ़ाई में जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें हरी मिर्ची प्याज को डाल के, अच्छा हाँ, सरसों का भी तड़का लगाना है इसमें। सरसों का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हम ये खट्टा में बना रहे हैं। तो फिर चलिए इसे अच्छे से भून लेते हैं इस तरह से, जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए। तो इसे ढक लेते हैं और इसे हम थोड़े देर के लिए पकने देते हैं। अब ये देखिए हमारे प्याज जो है वो सॉफ्ट भी हो गया है और भून कलर भी इसका हो गया है। तो हम यहाँ पर जरी ऐड कर देंगे। इसे हमारे छत्तीसगढ़ में जरी बोलते हैं और खेड़ा भी बोलते हैं। आप लोग बताइए आपके तरफ इसे क्या क्या बोलते हैं। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं और फिर से ढक्कन ढक के इसे पका लेंगे। और ये देखिए ये भी सॉफ्ट हो चुका है हमारा जरी। अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे, ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है इसमें। और पहले टमाटर डाल लेते हैं, टमाटर दो इसमें मैंने कट करके डाले हैं। और इसे हम मिक्स कर लेते हैं, फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम नमक डाल देंगे क्योंकि नमक डालने से टमाटर जो है वो सॉफ्ट होता है और जल्दी से पकता है। स्वाद अनुसार आप अपने अनुसार नमक डाल दीजिएगा। उसके बाद धनिया का पाउडर डालेंगे सिर्फ, और हल्दी का पाउडर। इसके अलावा और कुछ मसाला इसमें नहीं जाता है। आप चाहे तो लाल मिर्ची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। हम लोग मिर्ची कम खाते हैं तो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम सभी मसालों को भूनने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, एकदम थोड़ी सी मात्रा में, और इसे थोड़ी देर के लिए फिर ढककर पकाएंगे ताकि हमारे मसाले जो है वो अच्छे से पक जाए। अब ये देखिए हमारे मसाले भी पक चुके हैं। इसे हम और चम्मच चला के देख लेते हैं, पक गया है। उसके बाद हम इसमें मठा डाल रहे हैं। मठा जो दही से बनता है, आपके पास अगर दही हो तो आप दही ऐड कर दीजिए, नहीं तो फिर मठा ही ऐड कीजिए। मठा में ये सब्ज़ी अच्छा लगती है। उसके बाद जो मसूर हमने उबाल के रखे थे उसे ऐड कर देंगे। मसूर को मैं बाद में ऐड कर रही हूँ क्योंकि पहले डाल के भून देने से वो पूरा मिक्स हो जाता है, एकदम खड़ी खड़ी वाली मसूर नहीं बनती है, इसलिए मैं मसूर को बाद में ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए हमारी मसूर भी खड़ी खड़ी लग रही है और जरी भी अच्छे से पक चुकी है। और इसमें पानी डाल दिए हैं और इसे हम कम से कम 10 मिनट के लिए अच्छे से उबाल आने तक इसे पकाएंगे, तब तक इसकी रस जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही स्वादिष्ट और दिखने में बहुत ही सुंदर।